हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। ये पॉलिटिकल नेक्स्ट वीडियो है। उस पहले वाले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं शुरू करती हूँ। आई होप आपको पहला वाला वीडियो पसंद आया होगा, उसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इसमें स्टेटमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिजेंबल टू राज्यसभा, RS, इन केस जिसको नहीं पता हो। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी एमोलुमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या नाइदर, नाउ वन और टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। ठीक है, क्यों? अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो पहली बात तो है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, यानी कि वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राइट? तो वो जितने भी सारे कार्य करता है ना, तो वो चेयरमैन की पोजीशन पर रहकर ही करता है। हाँ, बट वो एक वाइस प्रेसिडेंट है, बट उसको जो सैलरी मिलती है ना, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई फिक्स नहीं कर रखा एमोलुमेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे सैलरी लेता ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट सैलरी लेता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होने के हक से। इसलिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by the house of the people. Second statement hai, an election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of vice president shall be completed before the expiration of the term. Third hai, the vice president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office. Which of the following statements are correct? 1, 2, 3, 1 and 2, 2 and 3, and 1 and 3. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1, 2 and 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कैसे? अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में देखा था प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच्ड होता है। क्या होता है इम्पीचर, उसका सो एंड सो मैंने आपको प्रोसेस बताया था। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच्ड नहीं होता, उसको रिमूव किया जाता है, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कोई भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जबकि वाइस प्रेसिडेंट केवल उसी हाउस से रिमूव होगा जिस हाउस में वो है। वो किस हाउस का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? राज्यसभा का। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा ही केवल रेजोल्यूशन पास कर सकती है, और जिस मेजॉरिटी से रिमूव किया जाता है वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये जो मेजॉरिटी है ऑफ ऑल द देन मेंबर्स वाली, वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी, राइट? और उसके बाद में रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास होकर के कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है, राइट? और लोकसभा में जब वो जाता है ना, मतलब उसका जो प्रोसेस जाता है, तो लोकसभा में जब वो जाता है तो उसमें केवल सिंपल मेजॉरिटी से अग्री करना होता है। तो ऑप्शन वन सही है। नेक्स्ट है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मतलब वैकेंसी होने से पहले, कार्यकाल खत्म होने से पहले एक नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है नॉट विथ स्टैंडिंग विद एक्सपायरेशन ऑफ अ टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, अगर उसका मतलब टर्म जो है वो एक्सपायर भी हो रहा है, राइट? इसका जो टर्म है जो एक्सपायर भी हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद भी है ना वो कंटिन्यू कर सकता है ऑफिस, तब तक उसका कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स के जो है टोटल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, अ वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज तो आपको पता होगा, वाइस प्रेसिडेंट का क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन है मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें दोनों मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड भी होते हैं तो इलेक्टेड भी होते हैं, तो ये याद रखना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्टोरल कॉलेज जो मतलब इलेक्ट करता है, उसमें दोनों हाउस के पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी सारे मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के भी सारे होंगे, इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब। प्रेसिडेंट में थोड़ा डिफरेंस है। अब प्रेसिडेंट में क्या है इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रेसिडेंट में कौन कौन मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुटअप करेंगे। इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन बताऊँ, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स है बोथ इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। किस सिस्टम से होता है? PR यानी कि PRSV प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग
सिंगल एसटीवी वोट, इसको पीआर एसटीवी बोलते हैं, और सीक्रेट बैलेट होता है, यानी कि अगर इलेक्शन हो रहे होते ना तो पर्ची पे नाम होता है, नाम लिख करके बंद करके उसको डिब्बे में डाला जाता है, अनाउंस नहीं करते, बाकी सबके इलेक्शन के लिए हम अनाउंस करते हैं कि हम इसको वोट दे रहे हैं, इसमें अनाउंस नहीं होता, सीक्रेट बैलेट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इसकी जगह राज्यसभा भी हो सकता था, चेयरमैन मतलब लाइक पार्लियामेंट भी हो सकता था, कुछ भी। ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट 3 है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ओनली 1, 1 and 3, 2 and 3 and 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 and 3। कैसे? पहली बात, वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट नहीं होता, इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का, बट वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता। सेम वाइस प्रेसिडेंट्स, क्योंकि वो चेयरमैन है ना, वो एक्ट कर रहा है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, तो वो मेंबर हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को मैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करूंगी, अभी के लिए इतना समझो, जैसे प्रेसिडेंट है वैसे वाइस प्रेसिडेंट है, वो नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद है, ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है, मैंने भी पढ़ा है, PRSTV से वो इलेक्ट होता है, और ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही है, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का उत्तराधिकारी पोजिशन पर नहीं हो सकता, इसलिए 2 and 3 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन में है कि अ कैंडिडेट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। रीजनिंग है, द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कोर्ट्स है, बोथ ANR आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ANR आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, दोनों की दोनों सही है, और आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, सारी उसमें कैटेगरीज होनी चाहिए जो जो हम इलेक्शन और राज्यसभा के लिए कहते हैं, ऐसे प्रेसिडेंट के लिए भी लोकसभा, तो राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो सेम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करता है चेयरमैन और राज्यसभा के, इसलिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन बनने के लिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, मेंबर नहीं होगा बट वो क्वालिफाइड होना चाहिए उस इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। ऑप्शंस आर, इम्पीचमेंट के थ्रू, रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विद 2/3 मेजोरिटी, रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी एंड जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी है, अ रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा विद इफेक्टिव मेजोरिटी एंड अग्रीड टू बाय मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अभी मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी और रेजोल्यूशन कौन पास कर सकती है, ओनली राज्यसभा, ये याद रख लेना, ओनली राज्यसभा, और ये आर्टिकल 67 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months, और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू लुक इन टू ऑल द डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन सी, क्यू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, कर सकता है, पर ओनली मैक्सिमम पीरियड फॉर 6 months, ना कि 9 months, तो यहाँ क्या आना चाहिए 6 months, अगर 6 months होता तो ऑप्शन सही होता, बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर। किसको रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट, डिप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा को, चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर को। ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं फिर उसका आंसर आपको पुट अप करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन टू है, नो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 21 days एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नीदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। क्यों, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। सिमिलर जो होता है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव अनलेस एटलीस्ट 21, ये आपको बताया था, ऐसा कुछ नहीं होता, 14 days का नोटिस होता, दैट्स 21 days का नोटिस नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो इम्पीचमेंट का भी ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, बस एक सिंपल ग्राउंड मेंशन किया हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उस प्रेसिडेंट का जो ग्राउंड है ना जिससे इम्पीचमेंट करते हैं वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसकी कोई थ्योरी हमारे पास नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग प्रेसिडेंट कंप्लीट करके, वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट करके प्राइम मिनिस्टर पर आते हैं, तो ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेट बिजनेस। सेकंड है, इफ द प्रेसिडेंट्स हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट
फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच वॉज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल. कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नीदर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ, दोनों सही है. ये ड्यूटीज होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो रूल बनाता है कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट का वो कैसे चले, अलोकेशन करता है हर मिनिस्टर को किस मिनिस्ट्री को कौन सा बिजनेस देना चाहिए, कौन सा कार्यकाल समझना चाहिए. प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई रिकंसिडरेशन करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एनी डिसीजन, तो वो मिनिस्टर से बिना पूछे नहीं करता, पहले वो मिनिस्टर के पास जाएगा फिर वो काउंसिल के पास जाता है. तो ये ऑप्शन दोनों सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देखो, एज द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस, द प्राइम मिनिस्टर हैज और टेक ऑल मेजर डिसीजन रिगार्डिंग डिफेंस ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ बाय द प्रेसिडेंट. ऑप्शन बी है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन. एज द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो बाय प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन इन द एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स. डी ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर इफ ही हैपन्स टू बी द लीडर ऑफ द पार्टी नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड मेजोरिटी शुड प्रूव हिज मेजोरिटी स्ट्रेंथ इन बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द पीरियड स्टिपुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट. इसमें पूछा कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेटरी है कि प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को हर डिसीजन जो भी कैबिनेट लेती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो चाहे वो प्रपोजल्स के लिए हो लेजिस्लेशन के लिए. तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी है. आप वर्ड्स भी समझो, बाकी सारे भी सही हैं, ऑप्शन डी भी हो सकता था, बट यहाँ पर पूछा कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी क्या है, मैंडेटरी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? NIC, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन देखो, 1, 3, 4 and 5, 3, 4 and 5, 1, 2, 3 and 4 और 2, 3 and 4 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 and 4 सारे सही है. ये इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर का, नेशनल इंटीग्रेशन का, वाटर का, डेवलपमेंट का, इंटर स्टेट काउंसिल का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स. When the Prime Minister resigns, the Council of Ministers gets dissolved. All the principal policy announcements of the government are made by the Prime Minister, and it shall be the duty of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union. मैंने आपको पहले बताया था Constitution of India में कौन सा statement correct है, option D correct. ये duty है Prime Minister की, उसको communicate करना ही पड़ेगा President को हर decision जो Council of Ministers लेती है, चाहे वो administration से हो, affairs of the Union हो, चाहे वो legislation हो, proposals हो, कुछ भी हो. राइट, तो और ये दिमाग में रख लेना आप, ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डी दिखता है और बाकी कुछ हो आपको नहीं पता, तो ऑप्शन डी पे आप टिक कर देना, सही होगा. वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेटरी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या चीज़ मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर पूछा करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, ऑप्शन देख लिया, 1 and 2 है, 2 and 3 है, 3 and 4 है, 1 and 3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 and 4 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंशन है, बट रेजिग्नेशन मिनिस्टर्स का और ऑफिस जो होता है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. वो हम चाहे तो बना सकते हैं डिप्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते, इसलिए मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट वुड बी करेक्ट? इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, इट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू द सुप्रीम कोर्ट, इट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू ऑल द हाई कोर्ट्स एंड कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द हाई कोर्ट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए. आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दे दी, तो वो एडवाइस किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो इंक्वायर्ड नहीं है. समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एडवाइस शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स डिटरमाइंड? ऑप्शन देख लीजिए, बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट, बाय द पार्लियामेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बाय द पार्लियामेंट डिसाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव मेड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस बनाई थी वो बाइंडिंग कर दी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए?
ऑप्शन देखो 42, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 43, 40th, 14, 41. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 42 एंड 44th. तो उसके बाद में अमेंडमेंट आया था, चेंज हुआ था भाई. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला था कि जो एडवाइस आप देते हैं वो बाइंडिंग नहीं है, वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए जा सकती है, उसके बाद अगर वहाँ से एडवाइस वापस आती वो बाइंडिंग होगी. तो ये चीज़ भी याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेवेंट टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट डील विद द रिलेशनशिप विद द प्रेजिडेंट एंड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑप्शन हैं आर्टिकल 71, 75, 78, आर्टिकल 74, 75, 78, आर्टिकल 73, 76, 78, आर्टिकल 72, 73 एंड 76. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्यों? 74, 75, 78. क्या क्या पूछा है? अब जो ऐसा आर्टिकल हमें कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए जो डील करता है रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. 74, 75 और 78 तीनों आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर हेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं, डील करते हैं प्रेजिडेंट से रिलेशनशिप के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनश्राइंड. किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में, 74 में, 77 में, 78 में. आर्टिकल 75, ऑप्शन ए, आर्टिकल 75 में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मैं एक ओवरव्यू देती हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा. कलेक्टिव मतलब साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, ये आपको समझ आता है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है यानी कि ये पीएम है और यहाँ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय प्राइम मिनिस्टर. यानी कि अगर पीएम रिज़ाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डूब जाती है, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सारे मिनिस्टर्स पीएम के अंडर है, राइट, समझो. या फिर पीएम के खिलाफ एनसीएम पास हो जाता है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रहती है, वो भी ख़त्म. क्यों? क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर एक जो हेड अथॉरिटी है वो डूबा तो बाकी की सारे के सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देंगे. दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स में होती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आर्टिकल 75 डील करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर शॉल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट हु शॉल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. समझ में आता है ये किस प्रोविजन में है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जो प्रोविजन है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में है? 41, 42, 43, 44. ये है ऑप्शन बी. 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये डिसाइन करता है कि एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस करती है किसको? प्रेसिडेंट को. ये आर्टिकल 74 है वो हमें पता है, बट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट में ये प्रोविजन जोड़ा गया था? वो 42 अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें ये प्रोविजन जोड़ा गया था. दो चीज़ अलग है, एक तो आर्टिकल्स अलग है, एक अमेंडमेंट एक्ट है. तो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में? 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी बार PCS कोई भी स्टेट वाले एग्जाम में ना, हर एग्जाम में वो यही पूछती, 42 से जोड़ा गया है कि 44 से जोड़ा गया है, 44 में किसको हटाया गया था, क्या बाइंडिंग थी, उसको हटा के फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 42 इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, याद रख लेना दिमाग में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस. देयर शैल बी अ COM विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेजिडेंट हु शॉल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस. देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट हु शॉल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस प्रोवाइडेड दैट द प्रेजिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज अदरवाइज द प्रेजिडेंट शॉल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद एडवाइस टेंडेड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन. ऑप्शन डी, देयर शॉल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट हु शॉल इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस और अदरवाइज ऑन हिज ओन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल पूछा. आर्टिकल 74 क्या कहता है वो मैंने पहले ही बताया था इसी के बारे में कि देयर शॉल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा टू हेड टू एट द लाइक हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स होंगे टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट. इसके आगे ये चीज़ है कि वो शॉल अकॉर्डिंग एन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस, ठीक है. फिर उसके बाद ये लाइन जोड़ा गया था कि प्रोवाइडेड द प्रेजिडेंट में रिक्वायर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडर करने के लिए भी बोला जा सकता है जनरली और अदरवाइज अगर प्रेजिडेंट शॉल एक्ट फिर अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है जो एडवाइस वहाँ से आती है आफ्टर रिकंसिडरेशन. इसलिए इतना बड़ा पॉइंट है क्योंकि आर्टिकल 74 में सब डील है, तो ये याद रखना. और एक किस प्रोविजन से जोड़ा गया तो वो भी याद रखना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ द प्रेजिडेंट सो रिक्वायर्स इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच इज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल. दिस इंश्योर्स वॉट?
ऑप्शन देख लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नलीफाई द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर, द इनहेरेंट पावर ऑफ द मिनिस्टर टू टेक अ डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. करेक्ट आंसर ऑप्शन है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे फिट यही बैठता है, क्यों? प्रेसिडेंट रिक्वायर्स शॉल बी द ड्यूटी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच इज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल इज एंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ये तो है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्टेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. किस फीचर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन देख लो, फेडरलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर, यूनिवर्सल एडर फ्रेंड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इट इज रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वर्किंग एज इन पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर एंड द रैंक्स आर डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है. अगर आपको नहीं भी पता तो आप खुद सोचो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकग्नाइज नहीं होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तभी तो आया हुआ है, तो उसका मतलब ऑप्शन ए तो सही होना चाहिए, राइट. नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स बिल्कुल सही, नंबर मेंबर स्पेसिफाइड है भी नहीं, बस वो एक दे रखा है कि 1/10 होना चाहिए टोटल उसका, अब वो कितने भी हो सकते तो फिक्स नहीं है. ऑप्शन सी देखो, इट्स वर्किंग इज एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुद के प्रोविजन अकॉर्डिंग वर्क करता है. नहीं, कौन किसके थ्रू वर्क करता है? प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एरियन एडवाइस के लिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इट्स मेंबर एंड डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही सबको मिनिस्ट्रीज अलॉट करते हैं सारे लोगों को कि आपको इस मिनिस्ट्री में जाना है, ये बिजनेस है आपका वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ऑप्शन बी सही है, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन किस में बेस्ड है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में. आर्टिकल मैंने आपको बताया अभी था, 52, 53, 54 मैंने आपको बताया अभी था, राइट. तो ये उसी का आर्टिकल है, तो उसी आर्टिकल में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो किस पर बेस्ड होता है? वेस्टेड होता है, वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होता है. तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आर्टिकल 53 था, 52 तो डील करता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 डील करता है देयर शैल बी एग्जीक्यूटिव यूनियन ऑफ द पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट. और ये शॉर्ट्स में था, तो शॉर्ट्स भी देखा करें आप. अभी फिर से शॉर्ट्स आएगा स्कीम्स के लिए और आर्टिकल्स के लिए, तो सारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल शॉर्ट्स में कवर होंगे, तो वो आपको कवर अप करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर और फंक्शन बाय हिम, इट मींस द पर्सन पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सेटिस्फैक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियमेंट, नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सेटिस्फैक्शन मतलब प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर, ये वही सेम क्वेश्चन है लाइक इसका आंसर था ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट. तो ये पूरा वीडियो है जो मैं लेकर आई थी, ये पूरे वीडियो में सब कुछ कवर है. वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया. तो दोनों वीडियो पॉलिटिक आप देख लेना, प्रेसिडेंट का भी आ चुका है, वाइस प्रेसिडेंट वाला भी है. शॉर्ट्स जो है सारे आर्टिकल कवर करेंगे. तो अभी भी मैं आपको अगर बताऊं तो फिर से शॉर्ट्स आएगा जिसमें सारे आर्टिकल्स कवर होंगे, तो वो आप पूरा देख लेना. बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्लियामेंट के ऊपर आएगा, यानी कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, मेजॉरिटीज़ क्या होती है, बिल कैसे पास होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, सारा पूरा ए टू जेड इन पे अच्छे से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यूज पूरा इनको रट लेना. स्टेट वाले बहुत पूछते हैं किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ, किससे क्या नहीं हुआ, तो वो मैंने आपको कवर किया है. जो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे वो मैं एक अलग से आपको पीडीएफ बना करके डाल दूंगी लिंक में, वो आप कवर कर लेना. कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी बताइए, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बोला है कमेंट सेक्शन में उसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में करें. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी काफ़ी लोगों को शेयर करें. टिल देन, हैप्पी प्रिपरेशन, बाय बाय.